द लेक आइल्स ऑफ इनिसफ्री। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम एंड इट इज़ रिटन बाय विलियम बटलर येट्स। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस ब्यूटिफुल पोएम। सबसे पहले ऊपर का टॉप हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि पोएम किस बारे में बात करती है या पोएम क्या कहती है। दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर्स द पोएट्स लॉगिंग फॉर द पीस एंड ट्रैक्विलिटी ऑफ इनिसफ्री, अ प्लेस वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय। दिस पोएम इज अ लिरिक। स्टूडेंट्स, यहाँ पर पोएम के बारे में दो बातें बोली गई है। यहाँ पर बताया गया है कि यह प्रसिद्ध कविता कवि की इनिसफ्री एक स्थान का नाम है कि शांति और निस्तब्धता की लालसा रखने के बारे में खोज का वर्णन करती है। साथ ही साथ यहाँ ये भी बताया गया कि इनिसफ्री वह जगह है जहाँ पर कवि ने बहुत ही लंबा समय गुजारा है, जब वह छोटे थे या एक लड़का हुआ करते थे। यह कविता बहुत ही सुरीली है। सो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस ब्यूटीफुल पोएम। लेट्स स्टार्ट। आई विल अराइज। आई मीन्स यहाँ पर पोएट खुद बोल रहा है, उसके बिताए गए समय को, इनिसफ्री में बिताए गए समय को वह हमारे साथ शेयर करते हुए वर्णित करता है पोएम के माध्यम से। और वह फर्स्ट स्टेंजा में क्या कह रहा है हम देखेंगे। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर ए हाइव फॉर द हनी बी एंड हाइव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। कवि यहाँ पर कहता है कि मैं उठूंगा और अब मैं जाऊंगा और मैं इनिसफ्री जाऊंगा। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, वहाँ मैं एक छोटा मिट्टी का और मुड़ी हुई लकड़ियों का एक छोटा सा कमरा या घर बनाऊंगा। वहाँ मेरे पास 9 सेम के बीच की लाइनें होंगी और वहाँ पर एक मधुमक्खी का छत्ता भी होगा और अकेले में मैं इनिसफ्री की उस शांति का आनंद उठाऊंगा जहाँ पर मधुमक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज़ होगी। ऐसी जगह में रहूँगा। कवि यहाँ पर इनिसफ्री के बारे में ये बातें हमसे शेयर करता है ऊपर के स्टेंजा में। अब दोस्तों, हम सेकेंड स्टेंजा की बात करते हैं। इसमें कवि हमसे क्या शेयर करना चाहता है। लेट्स सी द सेकेंड स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लैमर एंड नून अ पर्पल ग्लो एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग। यहाँ पर कवि आगे बात करता है और बताता है कि इनिसफ्री एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर मैं जाऊँगा तो वहाँ मुझे जाकर शांति मिलेगी। शांति वहाँ धीरे धीरे आएगी और वह सुबह की नमी के साथ साथ रात्रि तक मेरे साथ रहेगी, अर्थात सुबह से शाम तक वहाँ पर शांति व्याप्त होगी, शांति ही शांति होगी। शांत रातों में झिंगुरों की आवाज़ें आएंगी और मध्य रात्रि तक लगातार जो रात होगी वह चमकदार होगी और वहाँ दोपहर जो होगी वह सुनहरी होगी और इवनिंग समय में एक छोटी चिड़िया जिसको लिनेट कहा गया है वह उड़ती रहेगी और चहचहाती रहेगी। इस प्रकार से सेकंड स्टेंजा में कवि इनिसफ्री को वर्णित करता है। अब आगे लास्ट स्टेंजा में वह फिर किस ओर इंगित करता है, इनिसफ्री को किस प्रकार से वर्णित करता है। आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं उठूंगा और मैं अब जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड बाय द शोर वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेमेंट्स ग्रे। आई हियर इन द डीप हर्ट्स कोर। आखिरी स्टेंजा में कवि वर्णन करता है कि मैं उठूंगा और मैं जाऊंगा, वहां दिन रात यानी हर समय झील के पानी की धीमी मधुर आवाजें किनारों से टकराएंगी और मुझे खुशी प्रदान करेगी। जब भी मैं
इस जगह को छोड़कर यहाँ से दूर शहर में जाऊँगा और सड़क के किनारे या फुटपाथ पर खड़ा होऊंगा, तो यह धीमी पानी की आवाज़ जो है, जो कि झील के किनारों से टकराती है, यह आवाज़ मुझे हमेशा अपने हृदय के आंतरिक भाग तक सुनाई देगी, अर्थात मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। इस प्रकार से कवि तीनों स्टेंजा में निस्फ्री का वर्णन करता है और बहुत ही मार्मिक वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत करता है। आई होप फ्रेंड्स यू हैव अंडरस्टैंड दिस ब्यूटीफुल पोएम। ओके, थैंक यू।